गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह अपना केसीआई परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम परसेंटेज चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे और उसी क्रम में कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस भी कर लिए थे और जो क्वेश्चन शेष बचे हुए थे उनको आज देखते हैं क्या क्वेश्चंस हैं, क्या लॉजिक लग रहा है। आज के जो भी क्वेश्चंस होंगे बढ़िया क्वेश्चन होंगे, मजा आएगा आपको देख पढ़ने में। देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 31 नंबर का। इससे पहले आपको पता होगा कि 35 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं और जो 31 से डिस्कस करने हैं, 30 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके और 31 से डिस्कस करने थे। अच्छा, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। किसी परीक्षा में एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है तथा वह 25 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में दूसरा छात्र 40% अंक प्राप्त करता है तथा वह 5 अंकों से 25% अंक अधिक प्राप्त करता है, तो कुल कितने अंकों की परीक्षा थी। मतलब कि वो पूछना चाहता है कि जो परीक्षा में पूर्णांक था वो आपका कितना था। शायद ये क्वेश्चन आपको पिछली वीडियो में करा भी चुके थे, लेकिन आज फिर से रिपीट करा दे रहे हैं ताकि जो बच्चे उस दिन नहीं थे वो इस क्वेश्चन को देख सकें। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, कहने का मतलब वो कहना चाहता है किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है तथा 25 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में दूसरा छात्र 40% अंक प्राप्त करता है तथा वह 5 अंकों से 25 अंक ज्यादा प्राप्त करता है। देखिए यहाँ पे, देख यहाँ पे मेन पॉइंट है वो वह 5 अंकों से 25% अंक प्राप्त करता है, ठीक है। उसी परीक्षा में दूसरा था 40% अंक प्राप्त करता है, तो कुल कितने अंकों की परीक्षा थी। ओके, देखिए 25% को आप क्या बोलते हैं, 1/4। वो कहना चाहता है कि वह 5 अंकों से 25% अधिक अंक प्राप्त करता है, ठीक है। देखिए जो 5 अंक थे वो क्या है, आपके रेशियो के अकॉर्डिंग 4 थे, वो प्राप्त कितना करता है, 1 ज्यादा, मतलब वो 5 अंक प्राप्त करता है। अब वो इसी परीक्षा में, देखिए उसी परीक्षा में दूसरा छात्र 40% अंक प्राप्त करता है, तो वो कहना चाहता है कि जो 5% की वैल्यू है वो है आपकी 40%। 1% की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 8, तो 4% की अगर 4 की वैल्यू निकाली जाए तो आपकी आएगी 32। आपकी 4 की वैल्यू आई 32। अब यहां पर देखने की बात है कि वो कहता है कि किसी परीक्षा में एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है। पहला छात्र है वो 30% अंक प्राप्त करता है और वह 25 अंकों से फेल हो जाता है। आप इसको क्या है, 25 अंक दे दीजिए, तो जो फेल हो रहा था वो अब पास हो जाएगा। और कितने प्रतिशत अंक में पास होना है उसको, यहां पर आपको तो देखने को मिले 32%, तो ए बराबर होगा आपका 32 का। अब देखिए यहां से अगर देखा जाए, यहां पे परसेंटेज है आपका, तो 32% माइनस 30% बराबर 25। 2% की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 25। अगर आप पूर्णांक निकालना चाहते हैं तो आप 100% की वैल्यू निकाल लीजिए, ये आपकी बनेगी 100 × 25/2, जो आपका बनेगा 1250। बेहतर तरीके से आप 2 से काट सकते हैं, 50 टाइम्स जाएगा और आपका 1250 आंसर आ जाएगा। तो सबसे जरूरी देखने की बात यहां थी कि वो कहता है कि उसी परीक्षा में दूसरा छात्र 40% अंक प्राप्त करता है तथा वह 5 अंकों से 25% अधिक प्राप्त करता है। जो 25% अधिक प्राप्त करता है वो क्या है, 5 की वैल्यू वो आपको क्या है, और 4 की वैल्यू निकाल ली है तो आपको पता है। तो आप देख सकते हैं कि इसका आंसर जो आएगा वो आपका बी मैच करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 32 नंबर है। इस तरीके क्वेश्चन भी आपको पिछले वीडियो में सॉल्यूशन सहित सब करा दिए थे, लेकिन
फिर से एक अच्छा सा क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर दिया गया है जो बेहतर है, अगर आप ट्राई करेंगे तो जरूर आ जाएगा। कहना चाहता है यदि चीनी की कीमत को 30% घटा दिया जाए तो कितने किलोग्राम उपयोग को बढ़ाना चाहिए ताकि मासिक खर्च है वो केवल 5% घटे। मतलब चीनी की कीमत को कितना प्रतिशत घटा दिया, 30%। उसने जो कीमत है उसकी उसको 30% घटा दिया, 30% घटा दिया। आपको पता होगा 30% को 3/10 बोलते हैं। अगर देखा जाए तो वास्तविक कीमत क्या थी उसकी, 10, उसने घटा के कितना कर दिया, 7 कर दिया। तो कहना चाहता है उपयोग को कितना बढ़ाना चाहिए ताकि मासिक खर्च 5% घटे। 5% को आपको पता होगा कि क्या बोलते हैं, 1/20। तो आप देखिए जो खर्च बनता है वो क्या होता है, जैसे आप कोई चीज 5 किलोग्राम खाते हैं उसका भाव 10 रुपए केजी है, तो जो आपका खर्च बनेगा वो आपका 50 बनेगा। अगर वो 20 है रुपए पर केजी है और 5 किलोग्राम आप अगर किसी चीनी को भी खाते हैं तो आपको 100 रुपए लगेंगे। सेम वही है कि जो उसकी कॉस्ट प्राइस थी वो कितनी थी, 10 के बाद में 7 हो गई। तो वो कह रहा है कि उसका उपयोग को कितना बढ़ा देना चाहिए और उपयोग को कितना बढ़ा देना चाहिए ताकि जो उसका खर्च है वो केवल 5% घटे। मतलब पहले 20 हो रहा था तो वो अब ओनली 19 हो। देखिए यहां पे तो आपको वैल्यू पता ना, यहां ए से बी मान लीजिए। आप देखिए जो ए बराबर आप आपका बनेगा वो बनेगा 20/10 और बी बराबर बनेगा वो बनेगा आपका 90/7। आप देखिए ए अनुपात बी, देखिए ए अनुपात बी आपका बनेगा 2:19/7। ये आपका बनेगा 2:19/7 जो कि आज सॉल्यूशन करने पर आगे बनेगा 14:19। तो कहना चाहता है कि पहले जो खर्च जो उपयोग करता था या मतलब कोई भी चीज वो कंज्यूम खाता था वो पहले 14 थी, अब कितनी कर दी उसने, 19 कर दी। तो देखिए वो कहना चाहता है प्रारंभिक खर्च उसका पहले कितना था, 35 किलोग्राम। तो आपको 14 की वैल्यू उसने 35 केजी दी हुई है, 14 की वैल्यू 35 केजी। तो आपको कितना पूछा है वो कह रहा है कि कितना बढ़ाया उसने, 5 की वैल्यू पूछी है आपको। आप देखिए 1 की वैल्यू कितनी होगी, 35/14। तो 1 की वैल्यू आपकी आ गई 35/14 और आपको 5 की वैल्यू उसने पूछी है। आपकी वैल्यू आराम से आप निकाल सकते हैं, 5/14 कटेगा 7 से 2 times, यहां जाएगा 5 times। यहां पर जो आपका आंसर आएगा वो 12.5 kg। मतलब कि जो चीनी की कीमत थी वो 30% घटा दी जाए तो कितने किलोग्राम उपयोग को बढ़ाना चाहिए ताकि मासिक खर्च है केवल 5% घट जाए। देखिए पहले कीमत 10 थी अब 7 हो गई है। तो वो कहना चाहता है कि पहले जो आप उपयोग करते थे जब कीमत घट जाएगी तो उसको कितना ज्यादा आप हम लोग कंज्यूम करने लगे ताकि जो खर्च है वो आपका 20 से 19 हो जाए। देखिए तो सिंपल सी है कि यहाँ पे आपने 10 से 7 किया और जो खर्च है वो 20 से 19 हो गया। आप यहाँ से ए अनुपात भी निकाल सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि पहले आप कितना उपयोग करते थे बाद में कितना उपयोग करने लगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगर इस बहुत है इसको और शॉर्ट में करें तो आप एक काम कर लीजिए, आपने कितना किया 10 से 7 कर दिया, फिर आपने क्या किया यहाँ पर 20 से 19 कर दिया। आप देखिए जब भी इनके इनका इसका इसका रेशियो निकाला जाता है इसका आप इसमें डिवाइड कर दिए दोनों में 10 में और यहाँ पर 7 का, आपको यहाँ रेशियो जो बनेगा वो बनेगा 14:19। फिर सेम प्रोसेस आपको यहाँ से आ जाना है, सेम प्रोसेस चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन परसेंटेज में भी आता है, मिक्सचर में भी आता है, एलिगेशन में, मतलब तीनों जगह देखने को मिलता है। अगर आप परसेंटेज से लगाना चाहें तो भी हो जाएगा,
अगर आप मिक्सचर से जाना लगाना चाहें तो भी हो जाएगा, आप चाहते हैं इसे एलिगेशन से भी लगाएं तो एलिगेशन से भी हो जाता है, जो आपके लिए बेटर हो। आपको 3 से 4 तरीके बताए जाएंगे जो आपके लिए सही हो। आपको लगता है कि एलिगेशन सही है तो उससे आप कर लीजिए, आपको लगता है कि परसेंटेज सही है तो परसेंटेज से कर लीजिए, आपको लगता है कि नहीं दूसरी विधि से करना है तो आप वो भी कर लीजिए। देखिए पहले वो कहना चाहता है 9 ml शेविंग लोशन में 50% एल्कोहल, इसमें कितने ml पानी मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में 30% एल्कोहल हो जाए। देखिए पहले आप सीधा परसेंटेज से कीजिए। देखिए यहां 9 ml है आपका कोई भी चीज, उसमें 50% एल्कोहल है। जब 50% एल्कोहल है तो जो दूसरा घोल में बचेगा वो क्या है, या तो पानी होगा या फिर कुछ और होगा। अगर सपोज करो पानी भी है तो वो कितना बचेगा, 50%। तो मतलब यहां वो कहना चाहता है कि अगर 50% यहां पर आपका एल्कोहल है तो यहां पर शेष बचेगा कितना, 50% उसका वाटर बचेगा। तो यहां पर कितना हो जाएगा 50%, 4.5 ml, और यहां पर भी इसका कितना हो जाएगा 4.5 ml दोनों जगह। अगर आप अब देखिए इसमें कहते हैं इसमें कितने ml पानी मिलाया जाए। देखिए वो एल्कोहल को तो सेम रखता है, मिला क्या रहा है वाटर मिला रहा है, तो जो चेंज होगी वो क्या होगी, वाटर की वैल्यू चेंज होगी ना कि एल्कोहल की। और फिर वो कह रहा है कि 30% एल्कोहल हो जाए, तो हमें क्या है ना, जब हमने वाटर मिलाया तो चेंज वाटर की वैल्यू होनी चाहिए लेकिन एल्कोहल की सेम होनी चाहिए। तो जो 30% एल्कोहल है वो आपका कितने के बराबर होगा एल्कोहल में, 4.5 ml के। और आपको पता है कि अगर हम 100% की वैल्यू निकालें हम लोग कहा 9 ml में आपने यहां देखा था 4.5 ml एल्कोहल था आपका और 4.5 ml वाटर था। आपको बता रहे थे कि 30% एल्कोहल की वैल्यू आपको 4.5 ml थी, क्योंकि देखिए जब भी कोई चीज मिलाते हैं दूसरी तो वही चीज बदलती है जो आप मिलाते हैं या निकालते हैं, जो दूसरा कंटेंट होता है वो आपका सेम ही रहता है। तो उसमें आपने क्या किया, उसमें पानी मिलाया है तो जो दूसरा एल्कोहल था वो आपकी दोनों जगह सेम रहेगा। तो 30% की वैल्यू 4.5, अगर आप 1% यहां से देखेंगे कितना बनेगा, 4.5/30। अगर 100% यहां से देखेंगे आप तो क्या बनेगा, यहां बनेगा 4.5/30×100। यहां काटिए 2 times जाएगा, यहां 3 times जाएगा, आपका कितना बना 30। जो 30 बना, अब वो कहना चाहता है कितने ml पानी मिलाया गया, प्रतिशत की वैल्यू यहां पर बंद प्रतिशत इतने, थोड़ा मिस्टेक है आप यहां पर मिस्टेक कर दें। देखिए यहां से जब काटेंगे ये जाएगा आपका 2 times, और यहां पर 100 का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहां बनेगा 30, यहां बनेगा 2, तो जो यहां पे कटेगा वो 1 का या आपका 15 times। तो देखिए जो नया मिक्सचर बचा है वो है 15 ml का, जब पानी उसमें मिला दिया गया है। तो आप देखिए पहले 9 ml था, अब होगा है 15 ml, तो आपने कितना पानी मिलाया, आपको यहां दिखाई दे रहा है 9 से 15 होगा, तो आप मिलाएंगे 15 - 9 = 6 ml, ml या लीटर जो भी हो, तो आपका हो जाएगा 6 लीटर पानी मिलाया। ये आपका हो गया परसेंटेज से। अगर आप चाहते हैं कि इसको रेशियो से लगाएं तो आप दूसरा मेथड भी देख सकते हैं। देखिए 9 ml शेविंग में 50% एल्कोहल है,
50% को क्या बोलते हैं, 1/2, 50% को आप बोलते 1/2। एक तरफ लिख लीजिए एल्कोहल, एक तरफ वाटर। देखिए 50% एल्कोहल है, मतलब दो में से एक एल्कोहल है तो आपका एक कितना बचेगा, वाटर बचेगा। इसमें कितने ml पानी मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में 30% एल्कोहल हो जाए। आप 30% को पता होगा क्या बोलते हैं, 3/10। मतलब कि अगर 10 आपका टोटल मिश्रण है जिसमें से 3 क्या है पानी, 3 एल्कोहल है तो 7 क्या बचेगा, पानी बचेगा। यहां पर 3 एल्कोहल है, 7 पानी बचेगा। अब देखिए ये तो आपका हो गया रेशियो, अब आपको क्या करना है कि वो कह रहा है कितने ml पानी मिलाया जाए, तो आपको चेंज क्या कर, क्या नहीं होनी चाहिए वैल्यू, एल्कोहल की नहीं होनी चाहिए वैल्यू चेंज, जबकि पानी की वैल्यू चेंज होनी चाहिए। तो जो पहले एल्कोहल एक था अब 3 हो गया है, तो दोनों जगह क्या है आप बराबर कर दीजिए, यहां मल्टीप्लाई कराइए 3 का, यहां 3 का, जो आपका नया रेशियो बनेगा वो बनेगा 3:3 और 3:7। अब देखिए आपने वाटर कितना मिलाया यहां पर, 4, और वो कह रहा है कि 9 ml शेविंग लोशन में। तो देखिए पहले आपका मिश्रण कितना था, 3 × 3 = 6 ml, तो आपको कह रहा है 6 ml की वैल्यू 9 ml है। यहां पर 1 की कितनी निकलेगी आपकी, 9/6, और वो कहना चाहता है कि जो पानी मिलाया वो कितना है। आप देखिए 4 की वैल्यू निकालना है आपको, 4 की वैल्यू 9/6 × 4 आप काट सकते हैं, 3 × 2 × 4 = 6 liter, 6 liter या ml जो भी हो। ये आपका दूसरा मेथड हो गया। कुछ नहीं, पहले देखा है कि हमने 50% को क्या बोलते हैं, 1/2, जब 1/2 में एक आपका एल्कोहल होगा तो एक वाटर होगा। फिर इसके बाद देखा है कि 30% एल्कोहल को क्या बोलते हैं, 3/10, मतलब अगर 3 एल्कोहल है तो 7 आपका क्या होगा, पानी होगा। इसके बाद देखो जब भी कोई चीज मिलाई जाती है चेंज केवल वही होती है जो आप मिलाते हैं निकालते हैं, तो आपको क्या है एल्कोहल सेम रखना था, तो आपने दोनों जगह सेम कर दिया, 3:3 में कर दिया। अब देखिए कि पहले कितना आपका था, 6 ml का, अब हो गया आपका 10 का, जो आपका चेंज हुआ 4 वो 4 का निकाल दिया कि कितना पानी मिलाया। ये आपका दूसरा टाइप हो गया। अगर आप चाहते हैं इसे तीसरे टाइप से भी देखना तो तीसरे से भी आप कर सकते हैं, जो एलिगेशन है आपका। देखिए एलिगेशन और रेशियो चैप्टर आपको अभी पढ़ाया नहीं गया है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि जितने भी विधि से क्वेश्चन हो सकता है पॉसिबिलिटी हम सब बता दे रहे हैं आपको, फिर जो आपके लिए बेटर हो आप चूज कर सकते हैं। यहां देखिए वो कह रहा है 9 ml शेविंग लोशन में 50% एल्कोहल है, इसमें कितने ml पानी मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में 30% एल्कोहल हो जाए। देखिए पहले क्या है एल्कोहल, 50%। अब देखिए जो हम लोग क्या है पानी मिला रहे, जब पानी मिलाएंगे तो उसमें एल्कोहल तो कुछ होगा नहीं, तो एल्कोहल आपका कितना हो जाएगा मात्रा, 0%। यहां पर कितना हो गया, 30%। यहां पर आप 0%, यहां पर 30%। देखिए आप यहां घटाइए इसको, 30 बचेगा, ये आप घटाएंगे तो कितना बचेगा, 20। देखिए जो आपका कटता है रेशियो देख सकते हैं, यहां बनेगा 3:2। अब देखिए पहले क्या था ml आपका, पहले आपका जो सॉल्यूशन था वो 9 ml, तो 3 की वैल्यू आपकी कितनी है, 9। तो यहां देखिए 3 की वैल्यू आपकी 9 ml है, तो 1 की वैल्यू 3 ml, आपको मान कितना निकालना है, 2 की वैल्यू, तो 2 की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 6 ml, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 6 ml, जो कि आपका ए आंसर है। ये आपका टाइप नंबर 3 हो गया। अगर आप चाहते हैं इसको चौथे तरीके से भी लगाना, जो कि सबसे सिंपल है, मतलब एक लाइन का क्वेश्चन है, एग्जाम में अगर करना हो तो वही तरीका आप चूज करेंगे, तो आप वो भी देखिए, बहुत नॉर्मल सा तरीका है, एक लाइन का ही होगा आपका,
बस थोड़ा सा बेस सोचने की जरूरत है। देखिए जब भी कोई मिक्सचर होगा तो उसमें दो चीजें मिली होंगी, इसमें क्या है आपका एल्कोहल प्लस वाटर, दो चीज है एल्कोहल प्लस वाटर। अब देखिए इसमें चेंज क्या हो रहा है आपका, वाटर चेंज हो रहा है, चेंज क्या नहीं हो रहा है आपका एल्कोहल नहीं चेंज हो रहा है। तो वाटर जब चेंज हो रहा है तो वाटर को आप छोड़ दीजिए, जो चीज चेंज नहीं हो रही उसको रखिए आप। देखिए पहले था आपका मिक्सचर या सॉल्यूशन 9 ml का, 9 ml में आपका कितना एल्कोहल था 50%। जो अगला मिक्सचर है उसकी आपको पता नहीं है कि कितना है, आप x मान लीजिए, उसमें कितने प्रतिशत एल्कोहल है 30%। आपको प्रतिशत हटाएंगे, यहां 100 लगाएंगे, यहां परसेंट हटा के 100 लगाएंगे। अब देखिए जो कटता हुआ आप काट दीजिए, ये कट जाएगा आपका, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से अगर काटेंगे 3 times जाएगा, तो यहां बनेगा 3 × 5 बराबर x। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 15, मतलब जो 15 ml या 15 liters जो भी आया वो आपका नया मिक्सचर हो गया। पहले आप 9 ml था, अब हो गया 15 ml। तो आप देख रहे हैं मिलाया क्या था पानी, कितने लीटर पानी मिलाया 6 liter। तो आप जो आंसर आएगा वो आपका कितना होगा 6 liter। अगर यहां से देखना चाह रहे हैं तो 15 - 9 बराबर 6 liter, ये आपका type 4 हो गया। तो जो आपके लिए बेटर हो, type 1, type 2 या type 3 या type 4, जो आपके लिए बेटर हो आप लगा सकते, लेकिन अगर एग्जाम में करना है तो आपके लिए type 4 सबसे बेटर होगा, क्योंकि एक लाइन का क्वेश्चन है और जल्दी आंसर भी निकल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, सेम क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें डिफरेंस नहीं है। कहना चाहता है 80% अम्ल वाले 100 ml पानी के घोल में कितना पानी और मिलाया जाए ताकि घोल में बोरिक अम्ल 50% हो जाए। चारों विधि से आप लगा सकते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड या फोर्थ, अब जो आपके लिए बेटर हो आप लगा सकते हैं, लेकिन इसे जल्दी से करने के लिए हम type 4 बताएंगे। देखिए 80% अम्ल वाले 100 ml पानी में पहले कितना था 100 ml, जो मिक्सचर था आपका पहले था 100 ml, आप इसको 100 ml मान लीजिए क्योंकि उसमें दिया हुआ 100 ml पानी के घोल में 80% अम्ल है और क्या मिलाया जा रहा पानी, मतलब कि अगर एसिड प्लस वाटर है तो जो आप चेंज कर रहे हैं वो वाटर चेंज कर रहे हैं, तो आपका बचेगा क्या एसिड। तो 100 में आपका पहले एसिड कितना है 80, बाद में आपको पता नहीं कितना ml है, मिलाने के बाद मिक्सचर उसमें कितना हो जाए बोरे कम 50%। देखिए 50 से काटिए यहां पर आप क्या 2 times जाएगा, 2 का 8, अगर 80 में मल्टीप्लाई करें 160 बराबर x। देखिए आपका जो नया मिक्सचर है वो आपका क्या हो गया, वो हो गया 100 से 160, मतलब कि कितने ml आपका बढ़ गया यहां पर 60, आपका जो आंसर हो गया वो हो गया 60 ml। तो गाइड आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी होंगे आपको करा दिए जाएंगे। और गाइड जैसे कि आपको पता है कि हमारे यहाँ ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैच स्टार्ट हो चुके हैं, और सबसे जरूरी बात जो आपके फ्यूचर को लेकर के बताई जा रही है वो है, वो आपको मतलब हम हो या आप हो सबके लिए जरूरी है आज के टाइम में, वो है आपको इंग्लिश स्पीकिंग। अगर आप चाहते हैं कि हम फ्लुएंटली स्पीकिंग कर सकें या करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर, एक वीडियो हमारा अपलोड हो चुका है, आप यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं जो कि यूट्यूब चैनल का नाम है KCI और एडोल्फ हिटलर नाम से आपका हमारे यूट्यूब चैनल है, आप जा सकते हैं, शायद 2 videos आपके अपलोड हो चुके हैं, दोनों देखिए आपको कैसे लगते हैं कमेंट कीजिए, हम उस पर जरूर आपको बताएंगे क्या सही है क्या गलत है, और हमें भी पता चलेगा आखिरकार कि क्या हमें किस चीज़ की ज़रूरत है ताकि आपके लिए बेहतर तरीके से और इम्प्रूवमेंट करके लाया जा सके।
और जैसे कि आपको पता है कि हमारा टेलीग्राम चैनल है केसीआई पनवाड़ी, केसीआई पनवाड़ी नेम से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी यहां पर क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको इस पे पीडीएफ शायद विद सॉल्यूशन के मिल जाएंगे, तो आप गाइज जाइए और ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल। थैंक्स गाइज।